मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक है। वी आर ऑल्सो परफेक्टली ओके। और अभी फिलहाल चल रही है सुबह का जो काम, यानी कि ब्रेकफास्ट और टिफ़िन की तैयारी। और आज ना मैं टिफ़िन में सेजवान राइस बना रही हूँ। आज थर्सडे है एक्चुअली, और आज डिनर में ना कुछ स्पेशल बनाना है मुझे, जो कि अरिंदम को पता नहीं है, उसे तो डिनर के टाइम पे ही पता चलेगा। तो इसके लिए अभी मैं उसको टिफ़िन में राइस दूंगी, सेजवान फ्राइड राइस। तो उनको भी पसंद है और इन लोगों भी पसंद है। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा है कि ये वन पॉट मील है, तो अभी मैंने वही प्रिपेयर करने के लिए रख दिया है। और ये देखिए सेजवान राइस मेरा तैयार भी है, पनीर डाल के मैं बनाती हूँ, तो ये खाने में अच्छा भी लगता है और तुतुन को और इंदम दोनों को पसंद भी है। तो इसके लिए फटाफट से बन भी जाता है। तो चलिए पहले टिफिन पैक कर लेते हैं। अभी मैंने कपड़ा सुखाने के लिए डाल दिया है। और आज का वेदर ना कल से थोड़ा बेटर है। पहले कल का वेदर था पूरा फॉगी था वेदर, बट आज क्या है, फॉगी तो है ही, बट उसके साथ ना थोड़ा धूप भी निकला है, जो अच्छा लग रहा है। चलिए अभी लंच टाइम हो गया है, तो तुतुन को मैंने लंच सर्व भी कर दिया है। और देखते हैं तुतुन का रिएक्शन। ये देखिए उसका रिएक्शन, देखिए खाने के बाद। मैंने कहा ना उसको ये सेजवान फ्राइड राइस बहुत ही पसंद है। आज थर्सडे है तो मैं कुछ और कुछ सिर्फ पनीर ऐड किया है, नहीं तो मैं उस ऊपर से एक बड़ा सा एक फ्राई करके ऑमलेट बना के अगर आप उससे सर्व करो ना तो और भी अच्छा लगता है। आप इसमें चिकन प्रॉन्स सब भी डाल सकते हो। एक्चुअली ये सच में बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए अभी शाम हो चुकी है और मैंने जैसा आप लोगों को कहा था कि मुझे डिनर में कुछ स्पेशल आज बनाना है, तो आज मैं कचौरी बनाऊंगी। पीज कचौरी ग्रीन पीज से बनती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोटोशूटी कचौरी। इट्स अ वेरी फेमस, और ये ठंडी के टाइम पे ये तो हर घर में बनता है। यू कैन से इट्स कंपलसरी कि ये बनेगा ही बनेगा। और उसके साथ दम आलू, तो आप लोग देखिए ये मतलब खाने में सच में बहुत अच्छा लगता है और बनाना भी उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ ग्रीन पीस को अच्छी तरह से पीसना पड़ता है मिक्सर ग्राइंडर में, अदरक थोड़ा सा अदरक के साथ, और फिर उसको कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, और हींग और गरम मसाला डालना है उसमें, नमक और शक्कर अपने स्वाद अनुसार। और फिर वो जो स्टफ, ये एक्चुअली स्टफिंग, ये स्टफ तैयार हो गया। अभी इस तरह से हम लोग जैसे पूरी बनाते हैं ना, उस तरह से अभी पूरी के अंदर वो ग्रीन पीस का जो स्टफिंग है वो डाल के इस तरह से इसको बंद करके उसका मुंह, और फिर इसको हम बेलेंगे पूरी के जैसा ही बेलेंगे, और फिर उसको फ्राई करेंगे और इसको हम लोग खाएंगे दम आलू के साथ।
तो इसको हम लोग बोलते हैं मटर शूटी कचूरी। और ये ठंडी के मौसम में ये ऑलवेज बनता है। और हाँ, मैंने आप लोगों को कहा था कि तूतून बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती है और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, तो आज मुझे लगा कि अभी फ़िलहाल शेयर करना चाहिए क्योंकि उसने बहुत सारे ड्राइंग्स बनाए हैं। तो देखिए उसका, वो सच में बहुत मतलब अच्छा ड्राइंग करती है। और ये सब ना वो अपने मन से ही बनाती है, मैं भी कोई हेल्प नहीं करती हूँ, वो अपने आप से ही बनाती है। उसके होमवर्क होने के बाद जब भी उसका फ्री टाइम मिलता है या इसका और या कभी उसको मूड नहीं हो रहा है कुछ करने के लिए, तो अपने आप बैठ के अपना स्केच बुक लेके बैठ जाती है। ये देखिए ये सब उसने बनाया है। और ये आज ये वाला जो ड्राइंग है ना, ये ब्लू गाउन में ये वाला ड्राइंग उसने आज थोड़ी देर पहले ही बना रही थी, मैंने देखा था। और वो बहुत अच्छा ड्राइंग के साथ साथ बहुत कुछ मतलब कार्ड वगैरह बहुत कुछ बनाती है, तो वो भी एक दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अभी फ़िलहाल कचौरियाँ बेलने का टाइम हो गया है और मैं ना आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ। ये बेसिकली मैं अप्लाई करती हूँ इस तरह की स्टफिंग वाला कुछ भी बेलने के लिए, वो इस तरह से पूरी हो या कचौरी हो या पराठा हो, जो भी हो, अगर स्टफिंग रहता है ना तो वो बहुत टाइम हम लोग देखते हैं कि वो स्टफिंग बेलते टाइम निकल जाता है, फट जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह से एक क्लीन प्लास्टिक लेती हूँ, उसको सुबह मैंने इसको इस प्लास्टिक के रैप पेपर को अच्छी तरह से सुबह मैंने धो के सुखा के रख दिया था। अभी उसके अंदर मैं थोड़ा सा अभी ऑयल लगा के उसको ऑयली बना लेती हूँ और उसके अंदर मैं ये जो पूरी बनाने के लिए जो कचौरी जैसा स्टफिंग वाला जो कचौरी है इसको अंदर डाल के फिर मैं उसको बेलती हूँ। इससे क्या है, वो फटता भी नहीं है और अच्छी तरह से हम लोग बेल भी पाते हैं, कुछ मतलब निकल नहीं जाता है फट के उसका स्टफिंग। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि ज़रा सा भी नहीं निकलेगा, थोड़ा सा निकलता ही है ऑयल में, बट बेलते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बेलते टाइम आपको वो स्टफिंग बाहर नहीं आएगा फट के। तो ये ट्रिक आप लोग यूज़ कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल मैंने एक ट्राई किया था, तो ये मैं शेयर किया आप लोगों के साथ। जब भी मैं स्टफिंग वाला कुछ भी बनाती हूँ मैं इस तरह से उसको बेलती हूँ। और इसके बाद इसको इस तरह से फ्राई कर लीजिए और गरम गरम ऑयल में, और फिर ये कचौरी तैयार है। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं डिनर भी सर्व कर दूँगी। और ये देखिए डिनर सर्व हो चुका है और मैं व्लॉग भी यहाँ पे ख़त्म करूँगी। अगर आप लोगों को, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ये व्लॉग, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।